अब मूली की रेसिपी बनाना होगा और भी आसान। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बताया, सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगा और देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने इसे दो तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप इसे बनाएं जिससे बहुत ही सॉफ्ट बनेगा घर में ये। तो इस आसान सी और मज़ेदार रेसिपी को चलिए हम बनाना शुरू करते हैं और चलिए हमारे साथ में। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगती है ना तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास कुकिंग जोन। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो मूली लिया हुआ है। इसको मैंने सबसे पहले छील लिया है, बढ़िया से साफ़ कर लिया है, धो के भी रख लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब क्या है कि इसको आप या तो पहले घिस लीजिए या फिर इसको आप चॉप करिए। तो मैं आज इसको चॉप करके बनाऊँगी इस रेसिपी को। तो सबसे पहले मैं इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। एक बार इस तरीके से आप रेसिपी बना के जरूर देखिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रेसिपी आपकी कैसी बनी। इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए कितना बढ़िया चॉप हो गया। इसी तरीके से हमें इसे चॉप करना है। तो मैं पूरे को इस तरीके से चॉप कर लेती हूँ। साथ में मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल दी हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं इसमें 3 डाल दी हूँ। बस सभी को ऐसे इकट्ठा डाल करके मैं चॉप कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरे को मैंने बढ़िया चॉप कर लिया है, कितना अच्छा चॉप हो गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप चाहे तो इसे घिस भी सकते हैं, लेकिन आज मेरे को इस तरीके से बनाना था तो मैं सोची इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। इस तरीके से क्या बहुत आसान हो जाता है इस रेसिपी को बनाना। और सारे को मैं एक बोल में निकाल देती हूँ। तो ये देखिए सभी को मैंने एक बोल में निकाल दिया और कितना बढ़िया चॉप हुआ है देखिए। तो ये मैं मूली का पराठा बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। अब इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। ढक्के पे मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गया है, अब मैं इसको देखती हूँ। इसको हम क्या करेंगे, 2 भागों में पहले बांट देंगे। इसको मैं बताऊँगी 2 तरीके से। आधा आधा क्वांटिटी इसको कर लेते हैं, इतना हो गया। एक को मैं पहले अलग रख देती हूँ, 1 भाग को लेती हूँ। अब मैं इसमें डालती हूँ 1/2 कटोरी चावल का आटा और 1/2 कटोरी ये गेहूं का आटा। थोड़ा सा मैं इसमें हींग डालती हूँ। 1/4 चम्मच मैं इसमें अजवाइन डालती हूँ। आपको पसंद हो तो आप डालें, वरना स्किप कर सकते हैं इसको। 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक डाल देती हूँ मैं इसमें, ये भी ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगे तो आप डालें। 1/4 चम्मच हल्दी। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक इसमें और जाएगा, ध्यान रहे कि पहले भी नमक थोड़ा सा मैंने डाला। अब जाएगा इसमें 1 कटा हुआ प्याज, इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें जाएगा ये 1/4 कटोरी कटा हुआ हरा धनिया। पहले सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। मूली की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जब मैंने इसमें जो भी मैंने आटा यूज़ किया है या फिर जो भी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऐसा इस तरीके से। मूली को अपने आटा के साथ गूंथ करके कई बार बनाया होगा, एक बार इस तरीके से आप बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान तरीका मैं बता रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब इसको मैं ढक करके इसे छोड़ देती हूँ कि जो मैंने दूसरे बाउल में मूली निकाल के रखा है ना उसको अब मैं देखती हूँ। ये देखिए अब इसमें भी मैं कुछ चीज़ें और मिलाती हूँ। देखिए 1/2 कटोरी है ये रागी का आटा, 2 चम्मच ये सूजी है, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। दोनों ही तरीका मैं बहुत ही हेल्दी बता रही हूँ। इसमें भी 1 कटे हुए प्याज डाल देते हैं। थोड़ा सा हींग मैं इसमें भी डालती हूँ चुटकी भर। धनिया पत्ती कटे हुए 1/4 कटोरी है। अदरक घिसा हुआ 1 चम्मच। इसको भी अच्छे से पानी डाल करके मिक्स कर लेते हैं। और इसका बेटर भी हमें सेम पहले जैसे बनाना है, जैसे मैंने पहले बताया था ना बेटर बनाना, वैसे इसको भी बनाना है। बस इसको भी मैं ऐसे छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए, सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाएं। तो मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए अब चलते हैं इसको बनाने। ये काफ़ी अच्छा बेटर बन के तैयार हो गया है। अब गैस पर चढ़ाएँगे एक तवा, उसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं रागी वाले का बनाऊँगी मूली पराठा। इसको ऐसे डाल देंगे तवा पर छोटा छोटा, आप चाहे तो बड़ा ही बना सकते हैं, छोटा छोटा इसमें डाल देंगे। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का मूली का पराठा और हेल्दी भी तो है ही। तो जब सीख जाएगा एक साइड से ना तब हम इसको पलटेंगे। इसको मैं गैस के दूसरे साइड भी चढ़ा देती हूँ और अब देखते हैं दूसरे बटर को डाल करके। अब इस तवा को भी हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं।
अगर आपको तरीका पसंद आता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो गेहूं और चावल के आटे का बैटर बना के रखा था ना मैंने, इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया है। अब मैं इसको डालती हूँ तवा पर, इसको मैं बड़ा बनाऊंगी। अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ, आप चाहे तो बिना तेल घी के भी इसको सेक सकते हैं। अब मैं इसे पलट देती हूँ। वाह ये देखिए कितना बढ़िया सेक के तैयार हुआ है। इधर साइड भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, दूसरे साइड जो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना, अच्छे से सीख जाएगा, तब से मैं इसे उतार लूंगी। मैंने रागी वाला तैयार किया है उसको देख लेती हूँ। वाओ ये देखिए अभी बढ़िया सीख रहा है। इसमें मैं हल्का हल्का तेल लगा लेती हूँ ऊपर से, बिना तेल का भी आप इसे सेक सकते हैं। इसमें आप जैसे मैंने रागी का आटा यूज़ किया है तब कोई भी मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है। आपने इसके पहले क्या इस तरीके से मूली का पराठा बनाया है? अगर बनाया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस रेसिपी को आप क्या नाम देंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मूली का चीला, मूली का पराठा, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये देखिए गेहूँ और चावल आटे वाला अपना ये मूली का पराठा बनकर के तैयार हो गया है। कितना अच्छा देखिए सीख गया है। इसे मैं उतार लेती हूँ। ये देखिए इसका काफ़ी क्रिस्पी भी है ये और सॉफ्ट भी है ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स अपना टेस्टी हेल्दी मूली का पराठा बनकर के तैयार है। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बताया है, कोई इसमें आटा गूंथने का झंझट नहीं है, ना ही कोई बेलने का झंझट है। इसको मैंने देखिए ये रागी के आटे वाला है और ये जो मैंने गेहूं और चावल आटे का बनाया है ये उसका है। ये काफ़ी सॉफ्ट देखिए बना हुआ है, बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। आप अपने चॉइस के अनुसार इसको बना सकते हैं मोटा या पतला। तो देखिए कितना सुंदर देखने में लग रहा है और टेस्ट में भी उतना ही बढ़िया रहता है ये। आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व करिए या सॉस के साथ सर्व करिए। तो आप इसे घर में जो बनाइए और अपने प्यार प्यार कमेंट्स करके हमें जो बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये तरीका आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।